बोर्ड परीक्षा 2023 में कौन से पेन से लिखें? जी हाँ, ये सवाल सभी बच्चों का अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले बना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताने वाले हैं कि कौन से पेन से लिखने पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं, और अगर भूलकर भी आप इस पेन का यूज़ करेंगे तो आपके नंबर काट भी लिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आप सिर्फ तीन तरह के पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर कलर की बात करें तो कलर में आप दो तरह का, मतलब कि कलर यूज कर सकते हैं। तो कलर कौन कौन से होंगे? ब्लू एंड ब्लैक, इसी पेन का यूज़ आप लोग करिएगा। और यहाँ पर बात करेंगे, हम तीन तरह की बात किए हैं, तो देखिए, दो आप ब्लू मतलब कि पेन ले लेंगे और दो आप ब्लैक पेन ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो एक और तरह की पेन है उस वो कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, वो आपका जो है डार्क ब्लैक होनी चाहिए। डार्क मतलब कि होता है वो जो गाढ़ा चले, ठीक। तो ऐसा ब्लैक पेन होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आप उस पेन से क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, बाकी जो पेन है उनसे आप लिखने का कार्य करेंगे। और रेड कलर या फिर किसी और कलर की पेन जो मतलब कि रंगीन होती है उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।